हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू सी है, यानी कि हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी है, और या फिर मैग्नेटिक की फॉर्म में ये फॉर्मूला है, और चाहें तो ई नॉट को ई आर एम एस में और बी नॉट को बी आर एम एस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किए थे, इसके बेस पे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। वो कह रहे हैं लेज़र बीम हैज़ एन इंटेंसिटी ऑफ, तो आपको इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, आपको आई पता है यहाँ से ई नॉट आ जाएगा, आपको आई पता है यहाँ से बी नॉट आ जाएगा आंसर। तो इंटेंसिटी से ई नॉट और बी नॉट कैसे निकलता है बात समझ में आ रही है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट करके ई नॉट और बी नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नहीं करना, बहुत हार्ड है, ये होने वाला है नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी गिवन एंड प्रोपगेटिंग इन डायरेक्शन ऑफ गिवन, तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है यानी कि ईएम वेव है, और ये वेव की प्रोपगेशन है, वेव की प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है। इट इज पोलराइज्ड अलोंग के कैप, पोलराइजेशन वेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है के कैप, तो पोलराइजेशन वर्ड जहां आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रूल नंबर वन, जब आपको किसकी वैल्यू, और ऐसे ना चार ऑप्शन आपको गिवन होंगे, ये एक ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, ऐसे चार ऑप्शन गिवन होंगे। पहले एक पॉइंट को समझते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो आई कैप प्लस जे कैप बाय टू है, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ टू है, तो यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप के नीचे क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि वेव की प्रोपगेशन ये वेक्टर शो करता है, वेव की प्रोपगेशन, ये बात सबको समझ में आती है। नेक्स्ट है, अब क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मेरे को वेव की प्रोपगेशन पता है, अब सिर्फ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से चेक करके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की डायरेक्शन क्या है, वहां से चार ऑप्शन में से तीन एलिमिनेट हो जाएंगे और एक सही हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज ये भी पता है कि जो वेव की प्रोपगेशन होती है, देखो वो ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है, वेव की प्रोपगेशन मुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता है, रादर मैं ऐसे बोलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, के कैप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे निकालनी है, और वेव प्रोपगेशन मुझे पता है। अब मेरे को ना हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, चार ऑप्शनें मेरे को गिवन होंगी, मेरे को यहाँ पे वो ऑप्शन पुट करना पड़ेगा जिसका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को ये दे दे। तो पहले मैं ए ऑप्शन उठाऊंगा, उसकी डायरेक्शन पुट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की, फिर मैं बी ऑप्शन में पुट करूंगा, फिर मैं सी ऑप्शन, फिर मैं डी ऑप्शन, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पुट करूंगा और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो मेरे पास जिसका आंसर आई कैप प्लस जे कैप बाय टू आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो मतलब आप वेव की इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको हिट एंड ट्रायल ही देखना पड़ेगा। तो ये इसका रूल है, जैसे ये नहीं करना, ये भी बहुत हार्ड है, ये बहुत पुराने क्वेश्चन से नहीं आए हुए, इसकी जगह आप ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन करें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन ट्रेवल्स इन अ स्पेस अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो ये आई कैप है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप है। अब आपको पता है कि वेव की प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जे कैप है, कॉरस्पॉन्डिंग बी वैक्टर क्या होगा, पहली बात तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, सी क्या होता है, ई नॉट बाय बी नॉट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, बी नॉट आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन निकालने के लिए वेव की प्रोपगेशन ई क्रॉस बी होती है, आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है जे कैप है, वेव की प्रोपगेशन पता है आपको आई कैप है, तो मैं यहाँ कौन सा कैप पुट करूँ ताकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप आ जाए, तो आंसर क्या होगा, के कैप, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो पीछे क्या लग के आएगा, के कैप, तो मैग्नीट्यूड अलग निकलेगा और इस रूल से के कैप अलग निकलेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने किया नहीं हुआ, नया क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में चलती हैं, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं, ओमेगा टी प्लस समथिंग एक्स नहीं है, सिक्स वाई माइनस ए जेड पता नहीं क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा गिवन है। तो पहले आप फॉर्मूला रजिस्टर में ये एक नई इक्वेशन को ऐड करें, तो अगर आपको एक्स नहीं गिवन, ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं गिवन, आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखें, ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के वैक्टर डॉट आर वैक्टर, ये याद करें। और ये तब इक्वेशन लगेगी जब आपकी इक्वेशन वाई जेड इस फॉर्म में या एक्स वाई जेड तीनों में चल रही हो, तब तो आपने आर वेक्टर लगाना है। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करके ये माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू आ गई, तो कंपेयर करें, कंपेयर करके ये वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करें, माइनस लगा हुआ है, के वेक्टर को लिखें के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, के जेड के कैप, और आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और इसको इसके साथ इक्वेट करें, इसका डॉट प्रोडक्ट लें, तो ये इक्वेशन बनती है। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स का कोफिशियंट एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, सॉल्व करके के की वैल्यूज आ जाएंगी, के की वैल्यू आ गई तो ये के वेक्टर आ गया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं के वेक्टर को सिग्निफिकेंस दे क्या रहा हूँ, के वेक्टर से अगर हम के कैप निकालें तो के कैप विल गिव, जो के कैप है दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो इस इक्वेशन से के कैप का मतलब क्या है, वेव प्रोपगेशन, क्लियर। But who is Mark? Well, he is my good friend and got into this project after I called him and asked. Hey Mark, so I want to build a manga hosting site. Will you quit your current job and come work for me? पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो के कैप की वैल्यू आ गई। अब के वेक्टर बाय के का मैग्नीट्यूड इज के कैप, तो आपको वेव की प्रोपगेशन मार्क करनी है, वेव की प्रोपगेशन को एस कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से भी करते हैं, ये आंसर है। तो उसने वेव की प्रोपगेशन पूछी, वेव की प्रोपगेशन ऐसी होगी, ठीक। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, ये थोड़ा इस टाइप से नहीं करेंगे हम, जो आज बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें पेपर आने वाला है, बहुत सिंपल है ये, अभी हमने रिपीट है, ये अभी क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेम रिपीट है, बी वेक्टर की डायरेक्शन हिट एंड ट्रायल से कैसे मार्क करनी है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फील्ड है उसकी वैल्यू आपको ये इस फॉर्म में गिवन है, इससे ये पता लगता है कि वेव की प्रोपगेशन जेड एक्सिस के अलोंग है, ये तो बात क्लियर है। पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन आई कैप है और मैग्नीट्यूड बी नॉट है, और एक की डायरेक्शन जे कैप है और मैग्नीट्यूड बी वन की वैल्यू है। आपको इस क्वेश्चन में बी नॉट भी पता है, आपको बी वन भी पता है, आपको आर एम एस वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है, कब, जब एक चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इतना चार्ज, देखो चार्ज जब रेस्ट पे पड़ा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक तो लगा नहीं सकता। तो तुम पहले इन दोनों वैल्यूज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्यू इंटू ई से फोर्स निकाल लो। तुम जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे
वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट होगा, और पर तुम्हें क्या निकालना है, आरएमएस। तो तुम पहले ई नॉट निकाल के ई आरएमएस निकाल दो, फिर क्यू से मल्टीप्लाई करके फोर्स जो आएगी वो आरएमएस फोर्स होगी। मैं करके दिखाता हूँ, पहले इसे उठा लो बी नॉट वाले को। तो बी नॉट पहले वाला केस क्या है, बी नॉट, सी क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट। तो सी ई नॉट क्या है, सी इंटू बी नॉट। हाँ एक बात पक्की है कि अगर वेव की प्रोपगेशन जेड में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जे कैप में होने वाला है। अब वो जे प्लस हो या माइनस हो, हालांकि मैंने तो प्रॉपर किया हुआ है कि वेव की प्रोपगेशन ई क्रॉस आई है, तो वेव की प्रोपगेशन जेड में है और मैग्नेटिक फील्ड आई में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर माइनस जे आएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन तो मैंने वैसे निकाल के दिखा दी। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दूसरे केस में कितना है, बी वन है, तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी वन है, तो ई वन क्या है, सी इंटू बी वन है, तो सी इंटू बी वन है, बी वन और सी आपको पता है, तो ई वन की वैल्यू आ गई इसमें। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर है, तो ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर को ऐड करके क्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये माइनस जे है, ये माइनस आई कैप है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका और इसका कोफिशियंट का स्क्वायर। मैं तभी कह रहा था डायरेक्शन निकालने का फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे को मैग्नीट्यूड ही निकालना है, मैग्नीट्यूड आ गया इनटू चार्ज। अब ये जो फोर्स है, इसमें जो ई यूज हुआ वो मैक्सिमम वैल्यू यूज हुई, तो ये मैक्सिमम फोर्स आई, पर हमें क्या निकालना है, आरएमएस। तो आरएमएस के लिए इसको रूट टू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, या शुरू में ई नॉट को रूट टू से डिवाइड कर देते तो भी एक ही बात है, और ये आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, कि कैसे दो मैग्नेटिक फील्ड से दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और अपने क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट जो टॉपिक है वो पॉइंटिंग वेक्टर है। पॉइंटिंग वेक्टर देखो वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन एक बार 23 साल में एक बार आया हुआ है मेंस के अंदर पॉइंटिंग वेक्टर। इसका फॉर्मूला नोट करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं है, पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी ही होती है। तो पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ये देखो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। इसके यूनिट्स जो होते हैं वो इंटेंसिटी के ही होते हैं, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। और पॉइंटिंग वेक्टर का जो एस वेक्टर है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। ये फॉर्मूला नोट कर लो, एस वेक्टर का ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका प्रूफ बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा काम है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन मेज में आया हुआ है जो हमने करना है, तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है और उसके बाद हम लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि मेज और नीट में आना क्या है, बिल्कुल क्लियर कट है और वही आएगा जो इसमें आज मैं करवाऊंगा। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड आर, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के यूनिट देख रहे हो एम्पियर पर मीटर, ये एच है, याद करो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, याद है आई और एच का कर्व बनाया था इस टैरिसिस में, और मैंने ये मेन्स और नीट में बहुत देखा है, ये जानबूझ के B नहीं देता, जानबूझ के H देता है। और पता कैसे लगता है, टेस्ला नहीं गिवन, टेस्ला की जगह एम्पियर पर मीटर गिवन है, तो H गिवन है, तो इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके B निकलेगा। तो समझो आपको क्या गिवन है, आपको E पता है, आपको B भी निकला आएगा यहाँ से। मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, अब ध्यान से देखो मैक्सिमम एनर्जी है क्या, वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी निकालनी है, और इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। और ई और बी की फॉर्म में मैंने आपको आज फॉर्मूला करवाया, ये फॉर्मूला ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट, और मैग्नीट्यूड में भी लिख लें ई इंटू बी बाय म्यू नॉट। ई इंटू बी बाय म्यू नॉट की वैल्यू भी इंटेंसिटी ही देगी, जिसको पॉइंटिंग वैक्टर बोलते हैं। तो इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वैक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, तो आप चेक करो, आपको ई पता है, बी पता है, म्यू नॉट पता है, और बी की जगह क्या पुट किया मैंने, म्यू नॉट इंटू एच, यहाँ से सॉल्व करके अपने आप आपके पास आंसर आएगा। बस सीधी सी बात है, अगर आपको E पता है, B पता है, इंटेंसिटी आ जाएगी, ये शॉर्टकट है। अदरवाइज सच बताऊं तो ये जरूरत नहीं है इसकी हमें, इंटेंसिटी तो हमें वैसे भी निकालनी आती है। हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हम I निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता है हम I निकाल सकते हैं, उनको टोटल कर देंगे तो भी तो आंसर वही आएगा, क्योंकि इसका प्रूफ बन तो वहीं से रहा है, प्रूफ तो वहीं से आ रहा है, तो वो भी एक बात है। पर चलो ये शॉर्टकट है, E into B by mu naught भी आपको इंटेंसिटी की वैल्यू दे देगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक?